तो इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर, हाँ यानी मूवीज के लिए सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले एक्टर है द बाहुबली यानी अपने प्रभास अन्ना। और प्रभास अन्ना के बाहुबली मूवी के बाद तेवर ही बदल गए और प्रभास अन्ना अब एक ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी पिक्चरें चले या ना चले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ अपनी 150 करोड़ फीस से मतलब है। और बाहुबली के बाद अन्ना की एक भी पिक्चर नहीं चली, फिर भी अन्ना एक के बाद एक हाई बजट वाली फिल्में करते ही जा रहे हैं। अभी साहू को ही देख लो भाई, इस मूवी का बजट इतना था कि मैं अगर मेरा पूरा एरिया भी बेच दूं ना फिर भी उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और अन्ना इतने पर ही नहीं रुके, आगे भी अन्ना की कई सारी बड़ी बड़ी नहीं बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली है, उनमें से कुछ आदिपुरुष। अब ये मूवी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बस आपको जो लगता है कमेंट करके बता देना। नंबर 2 प्रोजेक्ट है और नंबर 3 सालार, और भी कई सारी है पर मुझे नहीं बतानी। जाओ बस आज के लिए इतना ही, और क्या प्रभास अन्ना इन मूवीज में कुछ गाड़ पाएंगे या कुछ उखाड़ पाएंगे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोज देखने हैं तो सपोर्ट करो यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।